जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और यह बीमारी उन लोगों में अधिक हो रही है जिनकी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कम है। अतः इस बीमारी से लड़ने और इसके बचाव के उद्देश्य से हमारे हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा कई दिनों से अलग अलग जगह व थानों में यूनानी काढ़ा, यूनानी दवाइयों का वितरण व हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। वहीं बुधवार को देवास शहर में थाना बैंक नॉट प्रेस में पूरे पुलिस स्टाफ को यूनानी काढ़ा पिलाकर यूनानी दवाइयों वितरण की गई। साथ ही पूरे स्टाफ का थर्मल स्क्रीनिंग और जनरल चेकअप किया गया। अभी तक हमने सिविल लाइन थाने पे किया, दूसरा हमने औद्योगिक थाने पे किया, तीसरा आज यहाँ पे हमारा है। ये जो काढ़ा हम जो पिला रहे हैं पिछले जनवरी से पिला रहे हैं, जब वायरस आया भी नहीं था यहाँ पे, उस टाइम से पिला रहे हैं। हम यहाँ BNB थाना पर आए हैं और मतलब मैं डॉक्टर हैदर अली और ये हमारी टीम और ये हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान सर। जनवरी से लेकर अभी तक के ये जो वबा फैली है कोरोना वायरस, इसके लिए मतलब जोशांदा पिला रहे हैं, हॉस्पिटल में भी पिलाते हैं और जगह जगह जाकर सिविल थाने में भी जाकर पिलाए हैं। और मतलब इसको रोकने के लिए इसके जो सिम्टम होते हैं सर्दी खांसी बुखार गले में दर्द, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास जो हम जोशांदा दे रहे हैं इसमें जो दवा है ये मतलब बहुत सारी तरह से असर करती है। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इम्यूनो मॉड्यूलेटर इसमें दवाई है। नहीं नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है जी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमारी जो दवा है ये जिसको कोरोना नहीं भी है वो भी लेगा तो कोरोना से बचेगा। मतलब ये हमारी जो दवा है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो अगर कोरोना के उसमें आता भी है कॉन्टेक्ट में तो उसको कोरोना नहीं होगा। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।